ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਭੈੜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ 38 ਮੋਬਾਈਲ, 1 ਲੈਪਟਾਪ, 4 ਕੀਮਤੀ ਐਨਕਾਂ, 10 ਘੜੀਆਂ, 1 ਗੱਲਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 53,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੇ ਸਮੇਤ ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦਫ਼ਤਰ ADCP 2 ਵਿਖੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ IPS ਨੇ ਦਿੱਤੀ। इनका शूज की शॉप है और इसके अलावा इस पे काफ़ी सारे पर्चे हैं। अभी तक जो हमने पड़ताल की उसमें प्राइमरी हमें 4 पर्चे इसके अगेंस्ट में 3 ड्रग्स के और 465 का मुकदमा दर्ज है जो ढाबा शुभलापुरी और पंचकुला के थानों के अलग 2012 से मतलब ये ड्रग्स के काम में है एज पर रिकॉर्ड। सर ये खुद ही जैसे हम लोग हाँ अभी तक जितना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पता लगा है कि ये कुछ नशा करता है, बाकी डिटेल जो है हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर कितनी देर से काम करा रहे हैं, काम कितनी देर से हुआ है? ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एटलीस्ट 2012 से तो ये ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व है, बीच में करता रहा है, छोड़ता रहा है, करता रहा है, बाकी हम और देखते हैं। कभी इसकी हुई जेल भी हुई कभी? हाँ जी कभी इसको जेल हुई? हाँ जी इन मुकदमों में अरेस्टेड है, कुछ मुकदमों में कुछ पकड़ना है जी, वो वेरीफाई करते हैं। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਪਨੇਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ .ਪੰਜਾਬੀ, ਯੂਅਰ ਸਿਟੀ, ਯੂਅਰ ਨਿਊਜ਼।